इस फिल्म का निर्माण किसी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए नहीं किया गया। हमारा उद्देश्य केवल उभरती हुई प्रतिभाओं को एक आधार प्रदान करना है ताकि वे अपनी प्रतिभा को आप लोगों तक पहुंचा सकें। आज एक बहुत बड़ा बोझ लेकर मैं इस शहर से वापस जा रहा हूँ और ये बोझ मेरे आखिरी पलों तक मेरे साथ रहेगा। मुझे इस बोझ के साथ जीना होगा और ये बोझ किसी और का नहीं बल्कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त सोनू का दिया हुआ है। उसके एहसानों का बोझ, उसके अंधे प्यार का बोझ। सोनू एक गे बॉय है और समीर उसका दोस्त। दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता है दोस्ती का। मैं जब पहली बार इस शहर में आया था तब किसी ने मेरी जेब काट ली थी और मेरे पास कुछ भी नहीं था रहने और खाने के लिए। तभी मेरी मुलाकात राह चलते सोनू और समीर से हुई। सोनू मेरी तरफ आकर्षित हुआ और मेरे पास आया। मैंने उसे अपनी प्रॉब्लम बताई, मुझे सहारा दिया, रहने की जगह दी। यार तू ये पैसे रख, जरूरत पड़ेगी तुझे। किस लिए? जॉब ढूंढने जा रहा है, रास्ते में खाना पीना किराया भाड़ा पैसे तो चाहिए होंगे तुझे। वो तो ठीक है, लेते हैं। लेकिन क्या, जब सैलरी मिलेगी वापस बता दियो, बस तू बेफिक्र होके जा। थैंक्स यार। इस तरह वो मेरी हर वक्त किसी न किसी तरह से मदद करता रहा। मैंने काम की तलाश शुरू की, गली गली भटका और आखिरकार मुझे एक वाटर बॉटलिंग प्लांट में हेल्पर की नौकरी मिल गई। और भाई कैसा रहा पहला दिन? बढ़िया, लेकिन साली थकान बहुत है यार। प्लांट में गर्मी ने मार डाला। फैक्ट्री के माहौल में एसी तो मिलेगा नहीं तुम्हें। एसी की बात नहीं है यार, हम लोग गांव के लोग हैं और हमें हर मौसम में गलने की आदत होती है। और फिर फैक्ट्री में मशीनों से निकलने वाली जो हीट होती ना, बहुत गर्म कर देती है यार। एक बात बोलूं यार? बोल।
तू ये नौकरी कर रहा है तो कर, कोई दिक्कत नहीं, पर क्या ये नौकरी तेरा फ्यूचर बना पाएगी? बोल तो तू ठीक रहा है यार, पर मैं कर भी क्या सकता हूँ इसके अलावा? बहुत कुछ कर सकता है, स्मार्ट हो, हैंडसम हो, मॉडलिंग में अच्छे चल सकते। मॉडलिंग? मजाक कर रहा है क्या यार? मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली बोल रहा हूँ। मॉडलिंग के लिए पर्सनालिटी चाहिए, पैसा चाहिए। मैं कहाँ यार देहाती आदमी, ना मेरे पास पर्सनालिटी है ना पैसा है, और सबसे बड़ी बात तो मॉडलिंग में हाई फाई इंग्लिश चाहिए यार। जो लोग मॉडल बनते हैं भगवान उन्हें अलग सांचे में नहीं बना, के लिए एक एटीट्यूड चाहिए, बातचीत करने का तरीका चाहिए, सेक्स अपील चाहिए बॉडी में, वो तुम्हारे अंदर आ सकता है। कैसे? मैं सिखाऊंगा तुम्हें। मजाक मत कर यार, मुझे दिल में सपने देखने की आदत नहीं है। जब तक सपने नहीं देखोगे तो उनको पूरा करने की कोशिश कैसे करोगे, और उनको पूरा करने की कोशिश नहीं करोगे बड़े आदमी कैसे बनोगे? बात तो ठीक कह रहा है यार तू, पर मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो टेंशन मत, बात मैं हूं ना, मैं सब कुछ सिखा दूंगा। और उसके बाद सोनू ने मुझे मॉडलिंग के लिए तैयार करना शुरू किया। मोबाइल से मेरी फोटोज ली, और सोशल मीडिया में उन फोटोज को प्रमोट करना शुरू किया। और मॉडलिंग से रिलेटेड लोगों से कांटेक्ट किए। इसी सिलसिले में उसने एक कास्टिंग डायरेक्टर से कांटेक्ट किया जिसका नाम था मोहित सब्रवाल। मोहित सब्रवाल इंडस्ट्री में एक जाना पहचाना नाम था। मोहित एक गे था और नए लड़कों को चांस देने के लिए उनसे सेक्सुअल कॉम्प्रोमाइज करवाता था। तो तुम अपने दोस्त की सिफारिश करने आए हो? यस सर। वो खुद क्यों नहीं आया? बच्चा है क्या? ऐसी बात नहीं है सर, एक्चुअली वो कभी इस मॉल में गया ही नहीं, ये तो मैंने उसे मोटिवेट किया, कुछ बन जाए वो। अच्छा लगा तुम्हारा अपने दोस्त के लिए प्यार देख, लेकिन डियर मेरी कुछ शर्तें होती हैं। बताइए सर। क्या नहीं सुनील दिल में? नो सर। तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सर क्या ये जरूरी है? किसी के टैलेंट की कोई कीमत नहीं है? है? क्यों नहीं है? बिना टैलेंट के कोई स्टार थोड़ी ना बन सकता है। फिर ये कॉम्प्रोमाइज? ये भी जरूरी है। क्यों? पहले मैं भी कॉम्प्रोमाइज के खिलाफ था, although I am also a gay, but किसी की मजबूरी का फायदा उठाना मुझे भी पसंद नहीं था। लेकिन क्या करूं? ये आजकल के लड़के हैं ना, जब इनको चांस चाहिए होता है तो हाथ पैर जोड़कर आगे आ जाते, और जैसे ही चांस मिल जाता है फिर पीछे मुड़कर भी नहीं देखते। किसी टैलेंटेड इंसान का टैलेंट देखकर उससे बिना कोई कीमत लिए अगर उसे चांस दो तो साला हमें बेवकूफ समझता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि न जाने अब तक मैंने कितने टैलेंटेड लड़कों को फ्री में चांस दिया है, उनको प्रमोट किया है, लेकिन 80% लड़के ऐसे निकले जिन्होंने मेरी कदर ही नहीं की। जो सब करते हैं उसमें गलती क्या है? फिर मैंने सोचा कि साला ये मैं किस आदर्श के साथ जी रहा हूँ? कोई मोटा पैसा मांगता है तो कोई चीज नहीं। इसलिए मैंने सोच लिया कि चांस देने के लिए या तो उनसे मोटा पैसा लो या फिर उनका इस्तेमाल करो। आप सही कह रहे हैं सर, लेकिन इससे जो अच्छे ईमानदार और टैलेंटेड लोग हैं उनका क्या होगा? किसी के माथे पर थोड़ी ना लिखा है कि वो अच्छे और ईमानदार है। लेकिन सर मुझे अपने दोस्त का भरोसा है, फिर भी आप उससे कॉम्प्रोमाइज करवाना चाहते हैं तो उसकी जगह मैं करूं। लेकिन तुम क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ वो इसके लिए कभी रेडी नहीं होगा, और मैं उसे ऊपर उठाना चाहता हूँ।
तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम अपने दोस्त को दोस्त से ज्यादा समझते हो। यस सर। बहुत प्यार करते हो उससे। यस सर। और ये प्यार दोस्ती वाला प्यार नहीं है, कुछ और है, am I right? यस सर। क्या वो ये जानता है? नो सर। यानी वन साइडेड लव और इतना भरोसा, पछताओगे डियर? उसकी टेंशन नहीं, वो मेरी किस्मत होगी। मेरा मकसद उसकी किस्मत को बदलना है। तुमने कभी उसको इस प्यार के बारे में बताने की कोशिश की है? नो सर। क्या उसके साथ कोई सेक्सुअल एनकाउंटर? वो तो ये भी नहीं जानता कि आई एम अ गे। तुम आग से खेल रहे हो डियर। मेरा सजेशन है कि तुम उसको बता दो, इससे पहले कि ये प्यार की चिंगारी भड़क कर 16 बन जाए। तुम्हें उसे सब कुछ बता देना चाहिए। आई विल ट्राई। लेकिन सर, अभी मेरा मकसद उसकी कामयाबी। क्या आप मेरा साथ देंगे? मैं वो सब कुछ करूंगा जो आप चाहते। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हारा साथ दूंगा और भगवान से प्रार्थना भी करूंगा कि चीजें सही दिशा में आगे बढ़े। तुम्हारा विश्वास और दोस्त के लिए प्यार देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जैसे किसी एडवेंचर मिशन पे जा रहा हूँ, और मेरी दिलचस्पी अब कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है ये जानने के लिए कि अब आगे क्या होगा। और अगर अब मैं तुम्हारा इसमें साथ दे रहा हूँ तो इसमें मेरा अपना ही स्वार्थ है, क्योंकि मुझे एक नई स्टोरी मिलने वाली है। और फिर सोनू ने मुझे मोहित सबरवाल से मिलवाया और मोहित ने मुझे पसंद किया और अपनी टीम का हिस्सा बना लिया। क्या मेरा इतना भी फर्ज नहीं बनता कि मैं तेरे लिए एक तोहफा ले लूं अपनी पहली कमाई का? इसका मतलब तुम मेरे दोस्ती को एक एहसान समझते हो और उस एहसान को उतारने के लिए ये तोहफा दे रहे हो? नहीं यार, तू गलत समझ रहा है। मैं गलत नहीं, बिल्कुल ठीक समझ रहा हूँ। तुझे लगता है मैंने तुझ पे एहसान किया है? क्या जरूरी है कि किसी एहसान के बदले तोहफा दिया जाए? तोहफा किसी प्यार करने वाले को भी दिया जा सकता है। हाँ प्यार? तुम मुझसे प्यार नहीं करता? मैं तो तुझसे बहुत प्यार करता हूँ और भगवान से दुआ करता हूँ कि तुझे हर जन्म में मेरा दोस्त बनाए। रियली? यस। मैंने तो सोनू को सिर्फ एक दोस्त की हैसियत से कहा था कि मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन वो इसका मतलब कुछ और समझ गया। वो मेरे बारे में सीरियस हो गया और सोते जागते मेरे बारे में ही सोचने लगा। जिस्मानी तौर पर उसने मेरे करीब आने की कोशिश की और एक दिन रात को जब मैं गहरी नींद में सो रहा था, सोनू की करीबियों ने मुझे सीमा को पार करने पर मजबूर कर दिया और मैं खुद को रोक ना सका। मेरे लिए वो रात सिर्फ एक वन नाइट स्टैंड थी, लेकिन उस रात ने सोनू की जिंदगी को बदल दिया।
क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हो। हाँ यार, एक लड़की है तेरे को बहुत दिनों से फॉलो कर रही है। देखने में कैसी है? यही तो प्रॉब्लम है यार, साली अपने पिक नहीं भेजती है, और भेजती है तो कभी आंखों की भेजती है, कभी लिप्स की भेजती है। बाकी जिस तरह से वो मेरे से बात करती है ना, उस तरह से तो मेरा दिल आ गया है उस पर। काश एक बार मिल जाए वो, पर मैं भी खिलाड़ी हूँ, एक ना एक दिन साली को पटा कर रहूंगा। कहाँ जा रहे हो अपन ठंड के? यार उससे डेट फाइनल हो गई है, आज मैं उसको डेट पर लेके जा रहा हूँ। बड़ी गाड़ी देना यार। मुझे क्या पता तो है? अरे यार तुझे नहीं पता, मैंने कोई ठेका नहीं लगा तुम्हारे सामान का, रोहित व्यवसाय। क्या बात है, गुस्सा क्यों हो रहा है? मैं कौन होता हूँ गुस्सा करने वाला, मुझे क्या आगे? क्या बात है यार, कुछ उदास सा लग रहा है। कुछ नहीं, बस ऐसे ही तबीयत ठीक। कोई बात तो जरूर है। हाय जानू, कैसी हो? सुनो ठीक है, चलो बाद में बात करता हूँ, तुमसे थोड़ा काम है। ओके, किसी का ही फोन था क्या? हाँ यार, वो मेरे बिना रह नहीं पा रही है। क्या बात है, तेरे को क्या हो गया? मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। बोलो ना। मैं तुमको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। मतलब ये कि आई लव, और मैं ये नहीं चाहता कि मेरे अलावा तुम्हारी जिंदगी में कोई और हो। क्या फालतू की बात कर रहा है यार? ये फालतू की बात नहीं है, मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दे दिया है, और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम किसी और के होकर रहो। क्या बच्चों वाली बात कर रहा है यार तू? और ये बच्चों वाली बात नहीं है, तुम्हारे बीच बहुत कुछ हो चुका, और मैं तुमसे दिल से प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शादी? और दो लड़कों के बीच ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? जब दो लड़कों के बीच सेक्स हो सकता है तो शादी क्यों नहीं हो सकती? यार सेक्स बट जस्ट अ फन, नथिंग सीरियस। फन? तुम इसको फन कहते हो? तुम इसको प्यार कहते हो? प्यार सिर्फ एक लड़का और लड़की के बीच होता है, दो लड़कों के बीच नहीं। और हमारा देश और हमारा समाज भी इस बात की इजाजत नहीं देता कि दो लड़कों की शादी हो। मुझे किसी की इजाजत लेके जीना मंजूर नहीं, मैं वही करता हूँ जो मुझे पसंद है।
पागलपंती वाली बात मत करो, हमारे परिवार भी इस बात के लिए राजी नहीं होंगे। इसका मतलब तुम मुझसे प्यार करते हो लेकिन समाज से डरते हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ लेकिन वो नहीं जो तुम समझ रहे हो। मैं तुम्हें एक अच्छा दोस्त मानता हूँ और दोस्ती वाला प्यार करता हूँ। लेकिन मैं तुमसे दोस्ती वाला प्यार नहीं करता। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? मैं कुछ भी समझना नहीं चाहता, सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम हमेशा के लिए मेरे हो जाओ। ये नहीं हो सकता, मैं कुदरत और समाज के खिलाफ नहीं जा सकता। अगर तुमको लगता है तो मैं अपना रास्ता अलग कर सकता। ये सामान क्यों पैक कर रहे हो? मैं जा रहा हूँ यहाँ से दूर। लेकिन क्यों? मुझे लगता है कि मेरे यहाँ रहने से तुम्हारी जज्बात बार बार उड़ा और बार बार तुम्हारे मन में मेरे लिए फीलिंग्स आएंगे और मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी बेवकूफी भरी ख्वाहिश को ज्यादा बढ़ा दो। तुमसे दूर जा रहा हूँ। हाँ, और उम्मीद करता हूँ कि तुम अपनी झूठी उम्मीदों से बाहर आओगे। और उसके बाद कई महीने बीत गए, मेरा सोनू के साथ किसी भी तरह का कांटेक्ट नहीं हुआ और ना ही मैंने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की। वक्त गुजरता गया और फिर एक दिन लेकिन तुम इतने पत्थर दिल हो के एक बार याद नहीं किए। तुझे भूल कैसे सकता हूँ और तुझे याद ना करूं ये कैसे हो सकता? जैसा कि मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी कमजोरी नहीं बनना चाहता और मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे बारे में सोचो। क्या तुम्हारे सोचने भर से मैं तुम्हारी यादों को मिटा सकता हूँ? मैं तुम्हारे पास आया हूँ इस उम्मीद से शायद तुम मुझे आज ना। फिर वही बात, इसलिए आज मैं तुम्हारे पास आया हूँ। पूरी तरीके से तैयार हूँ। मैं समझा नहीं। ये तुम्हें ठीक नहीं है, तुम्हें उसके साथ ऐसा ट्रीट नहीं करना चाहिए। मानता हूँ सर आपकी बात, लेकिन जो पागलपन उसने अपना सेक्स चेंज करा दी थी वो गलत। मैं नहीं कह सकता कि वो सही है गलत। तुम्हारी निगाहों में हो सकता है वो गलत, लेकिन उसकी नजर से देखने की कोशिश करो, कुछ गलत नहीं है। कोई भी इंसान अगर किसी को पूछता प्यार करता है तो वो उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और जो उसने किया है वो हर कोई नहीं कर सकता। मैं भी एक जेल
तो इसलिए मैं उसके दिल की बात समझ सकता हूँ। लेकिन सर वो जो चाहता है वो मैं नहीं कर सकता। मैं उसको सिर्फ एक अच्छे दोस्त की तरह देखता हूँ। वो मुझसे शादी करना चाहता है जो कि मैं नहीं कर सकता। चलो सर एक पल के लिए मैं उसकी बात मान भी जाऊँ, लेकिन जिस समाज में हम रहते हैं वो समाज रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा। समाज की बात बाद में आती है, पहले ये जानना जरूरी है कि तुम इस रिश्ते को अपनाते हो या नहीं। नहीं सर, उसने सेक्स चेंज जरूर करवा लिया है, लेकिन आज भी मैं उसमें एक लड़का देखता हूँ और एक लड़के के साथ शादी में हरगिज नहीं कर सकता। लेकिन उसने तो अपना सेक्स चेंज करवा के अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, उसका क्या करोगे तुम? एक दीवानगी, एक पागलपन, जो उसने इतना बड़ा फैसला कर लिया और मुझसे पूछने की जरूरत भी नहीं समझी। अगर उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी तो सर उसका जिम्मेदार वो खुद है, मैं नहीं। मैं मानता हूँ ये उसकी दीवानगी है, मैं मानता हूँ ये उसका पागलपन था, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि वो तुम्हारे लिए उसका सच्चा प्यार था। सोचो जो आदमी तुम्हारे लिए इतना बड़ा कदम उठा सकता है वो तुम्हारा साथ कितनी मजबूती से देगा। जितना प्यार वो तुम्हें करता है, इतना प्यार करने वाला शायद ही किसी किस्मत वाले को मिलता है। तो सर आप समझते हैं कि मैं गलत? नहीं, तुम अपनी जगह सही हो और वो अपनी जगह। तुम्हें उसको इस तरह से बेइज्जत नहीं करना चाहिए। अरे उसे प्यार से बैठाते, समझाते तो शायद सिचुएशन कुछ और होती, लेकिन अब मुझे बहुत डर लग रहा है। डर? कैसा डर यार? डर इस बात का कि कहीं जज्बातों में बहकर वो कहीं कुछ गलत कदम ना उठा ले। कैसा गलत? जैसे सुसाइड वगैरह। क्या कह रहे हैं सर आप? मैं सही कह रहा हूँ सर, वो बहुत इमोशनल है, पर इमोशनल लोग दिमाग से नहीं दिल से सोचते हैं। और ऐसा ही एक था मैंने 2 साल पहले देखा, तुम्हारी तरह एक लड़का एक गे बॉय का दोस्त बना था और उसका उसने खूब जिस्मानी फायदा उठाया, और जब गे बॉय को पता चला कि वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और गे बॉय ने सुसाइड कर लिया और सुसाइड नोट पे उसका नाम छोड़ दिया, और उसके बाद उस लड़के की जिंदगी तबाह हो गई। ओह नो। मोहित सर की बात सुनकर मैं काफी घबरा गया, मन में कई तरह के ख्याल आने लगे। और उन ख्यालों ने मेरी रातों की नींद उड़ा दी। मेरे रूखे व्यवहार से सागर पूरी तरह टूट चुका था। ऐसे में उसका दुख बांटा उसके दोस्त समीर ने, और उसने उसे समझाया कि जिंदगी सिर्फ प्यार से नहीं चलती, किसी एक के लिए अपनी जिंदगी को दांव पे लगाना ठीक नहीं, और वो भी उसके लिए जो तुम्हारे प्यार की कदर न करे। लेकिन दिल में एक सच्ची प्यार के साथ
मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन सिर्फ एक दोस्त की हैसियत से तुमने मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ एक दोस्त देखा और कुछ नहीं। अब अगर तुम मेरे साथ रहने की बात कर रहे हो तो इसके पीछे सिर्फ दो ही वजह हो सकती है। पहली ये कि तुम मेरे प्यार को सिर्फ एक एहसान समझते हो और उस एहसान को उतारने के लिए तुम अपनी जिंदगी से समझौता कर रहे हो, और दूसरी वजह ये हो सकती है कि मैंने खुद को बदल कर अपनी जिंदगी खराब कर दी है और तुमको मुझसे सिंपत्ति है, और इस सिंपत्ति के कारण तुम्हें लगता है कि मैं बिल्कुल अकेला पड़ चुका हूँ और तुम मुझ पर तरस खाना चाहते हो। एक तीसरी वजह भी हो सकती है, और तुमको लगता है कि मैं जज्बातों में बहकर कोई गलत कदम ना उठा लूं जिससे कि तुम्हारी जिंदगी नरक बन जाए। अक्सर ऐसा होता है, प्यार में चोट खाए हुए लोग कभी नशे काट लेते हैं, कभी नींद की गोलियां खा लेते हैं, लेकिन घबराओ नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने जा रहा। मैं अपनी जिंदगी खुद जीऊंगा और मुझे किसी की सहानुभूति की कोई जरूरत नहीं, मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। ये सच है कि मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, लेकिन सच्चे दिल से, किसी मजबूर या किसी दबाव के चलते नहीं। मैं जानता हूँ ये मजबूर के चलते हुए तुम अपना जिस्म तो दे सकते हो पर अपना दिल नहीं। जहाँ तक जिस्म की बात है, दुनिया में बहुत जिस्म बिकते हैं लेकिन प्यार नहीं, और प्यार खरीदा नहीं जाता। मैं तुम्हें आज भी अपना दोस्त मानता हूँ। ये मेरे दिल से ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें कामयाबी की ऊंचाई पर देखना चाहता हूँ। तुम बेफिक्र होकर वापस जाओ, मैं अपनी जिंदगी जीता हूँ और तुम अपनी जिंदगी जियो। बाय। कहाँ जा रहा है? इस शहर से दूर, ये मुझे स्टेशन तक छोड़ने जा रहा है, और ये मत समझना कि ये मेरे साथ जा रहा है। कहाँ जा रहे हो तुम? वहीं जहाँ मुझे एक सच्चा प्यार मिले, एक सच्चे प्यार की तलाश है। ये था सोनू के लिए मेरा प्यार। सोनू से मिलने से पहले मेरे लिए प्यार की परिभाषा वही थी जो कुदरत और समाज ने बताई थी, कि प्यार एक लड़का और लड़की के बीच हो सकता है। लेकिन सोनू से मिलने के बाद आज मैं प्यार को एक नए नाम से परिभाषित करने के लिए सोचने पर मजबूर हूँ। मैं नहीं जानता कि मैं सही सोच रहा हूँ या गलत, लेकिन आज मुझे लगता है कि प्यार सिर्फ अपोजिट सेक्स के बीच परिभाषित नहीं किया जा सकता। प्यार का मतलब एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को जानना। प्यार दो आत्माओं के बीच होता है, लेकिन कुदरत और समाज के अपने दायरे हैं जो प्यार की सीमाओं को परिभाषित करते हैं। लेकिन शायद अब वक्त आ चुका है कि समाज उन परिभाषाओं को एक बार फिर नए सिरे से लिखे।